नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एज ए ट्रेडर्स में। दोस्तों आइए देखते हैं मैंने कल जो लेवल दिया था बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, उसने आज कैसे काम किया। फ्रेंड्स, मैंने बैंक निफ्टी के बारे में मैं आपको बोला था कि अगर आज बैंक निफ्टी 35,900 से लेकर 36,120 के बीच में ओपन होती है और डाउन के साइड में 35,900 ब्रेक करती है तो उसका लिए मैंने आपको पहला टारगेट दिया था 35,800 और दूसरा टारगेट मैंने डाउन की साइड में दिया था आपको 35,600। आप यहाँ पे चेक करोगे कि उसका आज का ओपनिंग हुआ है 36,012 पे। आज का उसका बैंक निफ्टी का ओपनिंग हुआ है, यानी हमारा फ्लैट जोन हमने जो ड्रॉ किया था ये वाला, उसके ऊपर ओपनिंग, उसके अंदर ओपनिंग हुआ और मैंने जो लेवल दिए थे वो लेवल को ब्रेक करके 35,900 ब्रेक करके डाउन के साइड में दोनों लेवल उसने अचीव कर लिया और आज का उसका लो मारा उसने 35,380 के करीब उसने आज लो मारा और वहां से एक लगातार बाउंस बैक लिया उसने। और अपसाइड का मैंने जो लेवल दिया था बाउंस बैक लिया उसने, कितने बजे लिया फ्रेंड्स, उसने 12:35 को उसने ग्रीन कैंडल बनाया 5 मिनट की कैंडल में। आप चेक करोगे और वहां से लगातार चेक करोगे सीधा जाके आया 36,470 के पास आया, यानी एक तरफा रैली उसने आज दिखाई दिया। और अपसाइड में मैंने जो आपको टारगेट दिया था 36,120 ये वाला, वो उसने कितने बजे ब्रेक किया था फ्रेंड्स, टच किया था उसने 13 यानी 1:10 को उसने टच किया और उसके बाद ये जो कैंडल बना हमारा 2:30 वो उसने ये थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद उसको ब्रेक किया और अपसाइड में उसने दोनों टारगेट अचीव कर लिया जो मैंने आपको दिया था 36,250 और 36,400। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। इसके लिए हम पहले एक काम करेंगे, उसके 50 मिनट में लगा लेंगे हम उसको चार्ट को और देखते हैं कल के लिए कौन सा लेवल आ सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, हाँ ये पुराना लेवल निकाल लेता हूँ ये वाला। ओके, और हम एक फ्लैट जोन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, कल के लिए नया फ्लैट जोन ड्रॉ करते हैं। जब फ्लैट जोन ड्रॉ करते हैं तभी मज़ा आता है हमें ट्रेड करने के लिए, जैसे आज हुआ ये समझ लो 50 मिनट का कैंडल है, इसका लेवल आएगा 36,476 36,327। ओके, आज उसका क्लोजिंग हुआ है शायद 36,348 पे। तो कल अगर समझ लो 36,476 ब्रेक करेगा ना 36,400 ब्रेक करेगा, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, 420 भी नहीं, मैं इसको पकड़ के चलता हूँ आज 36,400 ब्रेक करेगा फ्रेंड्स। क्लोजिंग हुआ है 36,439 दिखा रहा है, तो ये पकड़ के चलते हैं 36,476 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट अपसाइड में आ सकता है फ्रेंड्स 36,575। ओके, और दूसरा टारगेट उसका अपसाइड में आएगा फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 36,575 या 78 समझ लो, राउंड फिगर कर लेने का उसको। और दूसरा टारगेट आएगा, इसके लिए थोड़ा लंबा चार्ट देखना पड़ेगा हमको, चलना भाई। दूसरा टारगेट उसका आ सकता है 36,970, पीछे भी देख जाकर देख लेता हूँ एक बार। ओके, 36,972 पकड़ के चलो। और तीसरा टारगेट भी मैं दे सकता हूँ आपको आज, ये जो गैप पड़ा है ये गैप फिल करने के लिए भी ऊपर जा सकता है 37,300। ओके, ये अपसाइड का मैंने आपको टारगेट दे दिया फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का, इसका प्राइस लेवल में लगा लेता हूँ अभी 36,476 ब्रेक करेगा तो 36,570 और
दूसरा टारगेट आएगा उसका 36,950 या 975, और तीसरा टारगेट आ सकता है उसका 37,300। और अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, इस सीजन में ओपनिंग होने के बाद 36,300 ब्रेक करेगा, 36,300 ब्रेक करेगा फ्रेंड्स ये वाला, तो उसका पहला टारगेट डाउन की साइड में आएगा 36,200 आएगा उसका। और सेकंड टारगेट आएगा फ्रेंड्स 36,100। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है कल गैप अप भी ओपन हो जाए फ्रेंड्स। अगर गैप अप ओपन होने के बाद, प्राइस एक्शन बनने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ मूवमेंट कर रहा है। जैसे आज प्राइस एक्शन बना था, मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के चार्ट में। देखो एक यहाँ पे हैमर के अंदर बनी थी, जो मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि जब गैप डाउन ओपन होता है या ज़्यादा नीचे डाउन जाएगा, और वहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है या हैमर कैंडल बनती है, तो वहाँ पे उसी हैमर कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के आप कॉल बाई कर सकते हो। जैसे आज हुआ, ये जो है ना, ये हैमर कैंडल है फ्रेंड्स। ओके, और वैसे ही अगर डाउन अपसाइड ज़्यादा ऊपर जाएगा और वहाँ पे कोई बेरिश कैंडल या शूटिंग स्टार कैंडल बनती है ना, तो वहाँ पे आप पुट बाई कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का लेवल कल के लिए। इसको तो नज़दीक ले लेता हूँ मैं, बहुत दूर है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर किसी को टेलीग्राम चैनल में जुड़ना हो तो आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक या उसका नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आइए देखते हैं निफ्टी ने आज क्या किया। फ्रेंड्स, निफ्टी के बारे में मैंने आपको कल फ्लैट जोन दिया था 70,100 से लेकर 70,172। अगर आप चेक करोगे तो उसका ओपनिंग हुआ है फ्रेंड्स 70,132, यानी मैंने जो फ्लैट जोन दिया था उसी में उसने आज ओपनिंग दिया। और ओपनिंग होने के बाद उसने ये 70,100 ब्रेक किया, और मैंने जो आपको पहला टारगेट दिया था डाउन के साइड में 17,000, तो आज उसका लो मारा है फ्रेंड्स 17,009 या 17,006 के करीब उसका आज का लो है। तो हमारा तकरीबन फर्स्ट टारगेट डाउन की साइड में अचीव हो गया। और अपसाइड में मैंने आपको बोला था कि 70,172 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा, मैंने दिया था आपको 70,220, और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 70,275। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि दोनों टारगेट उसने आज अचीव कर लिए फ्रेंड्स। जैसे बैंक निफ्टी ऊपर गया वैसे ही है, निफ्टी भी ऊपर गया डाउन से। ओके, तो ये देखते हैं कल निफ्टी में क्या हो सकता है। इसके लिए मैं 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ फ्रेंड्स। ओके, बहुत ही बढ़िया लेवल पर क्लोज हुआ है ये। कल के लिए हम फ्लैट जोन ड्रॉ करेंगे आज फिर से। अरे इसको निकाल ही देता हूँ मैं। ये हो गया हमारा कल के लिए फ्लैट जोन रहेगा ये वाला। ओके, उसका क्लोजिंग हुआ है 70,315 पे क्लोजिंग हुआ है उसका, 329 दिखा रहा है मुझे क्लोजिंग, कोई बात नहीं। इसको मैं फ्लैट जोन ड्रॉ करता हूँ, अप साइड में 70,330 और डाउन की साइड में रहेगा हमारा 70,270। अभी कल इसको ब्रेक करेगा 70,320 को, तो हमारा पहला टारगेट आएगा फ्रेंड्स अप साइड में 70,370
और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स उसका अपसाइड में 70,420 और डाउन की साइड में अगर ये 70,270 ब्रेक करेगा तो उसका पहला डाउन की साइड में आएगा टारगेट उसका 70,220-216 और दूसरा टारगेट आएगा उसका डाउन की साइड में फ्रेंड्स 70,120। ओके ये हो गया हमारा निफ्टी का लेवल। चलो उसका मैं प्राइस लेवल भी लगा लेता हूँ फ्रेंड्स, ये आएगा अपसाइड में 70,370, दूसरा टारगेट आएगा 70,420 और डाउन के साइड में 70,270 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा 70,200 और दूसरा टारगेट आएगा डाउन के साइड में उसका 70,000। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा मुझे, 70,000 आएगा उसका 160 पकड़ लो। ओके ये हो गया हमारा निफ्टी का लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इसके ऊपर आज उसने क्लोज किया है फ्रेंड्स। कौन सी ट्रेंड लाइन है ये, मैंने जो कल बोला था आपको ये ऊपर से नीचे जा रही है फ्रेंड्स, ये वाले। तो हो सकता है कल निफ्टी गैप अप भी ओपन हो सकता है जिस तरह से आज उसने रिकवर किया डाउन की साइड से। ओके फ्रेंड्स आप वीडियो देखो तो पूरा देखिए ताकि आपसे कुछ चीज़ मिस ना हो जाए, अगर अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको ही लॉस होगा फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।